हाउ शुड आई स्पीक दैट इज़ आप चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा शुड आई वी बाई और ओनली हिंदी आ, कोशिश करूँगी बंगाली हूँ पर दिल्ली में पली बड़ी हूँ इसलिए हिंदी तो आती है पर वो भाषा आप देख लेना और मैथ्स में ज़्यादातर वर्ड्स तो इंग्लिश के होते हैं तो नो प्रॉब्लम no जैसे आपको ठीक लगे ऑल राइट right, क्योंकि हमें ये भी याद रखना है कि काफ़ी मैं देख रही हूँ बारह से ऊपर करीबन तेरह सौ के पास जा रहे हैं कैंडिडेट्स सो द डिफरेंट पीपल विथ डिफरेंट लैंग्वेज प्रेफरेंसेस सो वॉट एवर सो आई विल जस्ट स्विच ऑफ माय वीडियो फॉर सेविंग सेथ एंड आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन डी सबको दिख रहा है ओके आई कैन सी आई थिंक पीपल है इंग्लिश एंड हिंदी बोथ वेरी गुड हमारे लिए हम जितने भाषा जाने उतना ही अच्छा है हमारे स्टूडेंट्स भी हो सकता है कि रो कौन से भाषा बोलते हैं वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए तो सारे जितने हो सके उस पर कन्वर्सेंट होना चाहिए ऑल राइट सो माय स्क्रीन इज विजिबल एंड सिंस यू पीपल आर आंसरिंग दैट मींस दैट आई एम ऑडिबल आल्सो तो आज की जर्नी शुरू करें फिर ऑल राइट सो वी हैव टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन अब ये वाला टर्म आपने काफी आजकल सुना होगा और देखिए मैंने मैं ये बात कह रही हूँ नया नहीं है और जो आज हम डिस्कस करेंगे द थिंग्स विच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे यू विल फाइंड दैट वी डू इट टूडे यूंडिस एटलीस्ट मोस्ट ऑफ इट सो यू नो टर्म्स नए हो सकते हैं बट यू विल फाइंड

कि ये चीज़ नया नहीं है बट वी आर गोइंग स्ट्रेसिंग मोर टूवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन आपको दिख रहा है द यू नो वॉट आई शेयर विद यू लाइक क्या बोला जा रहा है दैट इज फ्रॉम ये आप डाउनलोड कर सकते हैं पी डी एफ फाइल नेशनल एन सी आर टी का है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन ओके सो उसमें क्या डेफिनेशन वगैरह उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी बिकॉज आप खुद ही कर सकते हैं आई नो ऑल यू टीचर्स आर वेरी केपेबल ऑफ डूइंगली इन अ फ्यू लाइन इज इट एनी पी ट्वेंटी ट्वेंटी कॉल्स फॉर अ शिफ्ट फ्रॉम एन असैसमेंट सिस्टम दैट इज समेटिव ओके समेटिव एंड ऑफ द टर्म विच इज एंड ऑफ द इंड प्राइमरी टेस्ट रोड मेमोराइजेशन स्किल ये हम मैथ्स वाले जानते हैं कि ये रोट मेमोराइजेशन स्किल कितना भयंकर चीज़ है हम खुद पढ़े हैं एंड हम देखते हैं वो बच्चों को जैसे कविता के जैसे यू नो टेबल्स याद करवाया जाता है आज टू के टेबल थ्री के टेबल फोर के टेबल बट क्यों ना ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है ये समझने की चीज़ है आप समझ के प्रैक्टिस करेंगे देखना आपको खुद अपने आप यू विल स्टार्ट रिमेंबरिंग डू यू अग्री समझ के प्रैक्टिस तो के तेरे रटने की जरूरत नहीं है वो अपने आप यू नो इट विल लीव एन इम्प्रेशन इन द माइंड ओके द प्रॉब्लम इज दैट यू नो

बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉम्पिटेंसीट यू हैव सीन स्टूडेंट आप उनसे पूछे की ए b बी होल इसका एक्सपेंशन क्या है बच्चा वो बता देगा बट उसका यूज नहीं बता पाएगा एप्लीकेशन नहीं कर पाएगा हैव यू मेड सच स्टूडेंट्स आप बॉक्स में यस नो जवाब दे सकते हैं

दो चिल्ड्रेन kind of जिनको ये कॉम्पिटेंसी समझ नहीं आती होंगे plus 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 जब हम ऐसा कोई क्वेश्चन देते हैं बहुत बच्चे है जो ए क्यूब और बी क्यूब ये निकालने ते हैं कैलकुलेशन ये गलती क्यों होता है बिकॉज दे हैव मेमोराइज दूला एक्सप्रेशन देट सो देर फोर वी मूव अवे फ्रॉम रोड मेमोराइजेशन स्किल टू वन विच इज मोर रेग्यूलर फॉर्मेटिव एंड इट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड नाउ वी कम टू दिस कॉम्पिटेंसी बेस्ड what is competency it promotes uh, learning development for our students and tests what higher order skills such as analysis critical thinking and conceptual clarity and encouraging and helping school boards to shift from their assessment patterns which are basically on rote memorization skills towards the skills requirements of 21st century

फाइव कॉम्पिटेंसी वॉटर गूगल सर्च करें कॉम्पिटेंसी ऑफ मैथ आपको अबाउट थाउजेंड साइट मिल जाएंगे कोई बोलता है कि पांच है सात है नौ है दस है नो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली फाइव एंड इन फैक्ट एंड में मैं आपसे पूछूंगी कि ये फाइव कॉम्पिटेंसीज इफ योर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दे नो दे बिकम कॉम्पिटेंट इन दीज क्या आपको लगता है कि वो बच्चा मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड स्टूडेंट है ठीक कर लेगा ओके okay? ठीक कर लेगा अच्छा स्टूडेंट होगा ओके बाय दैट आई माइंड यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रिलियंट और एक्सिलेंस बट अ चाइल्ड हु अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स ओके

मतलब क्या है सो आई विल इन द नेक्स्ट स्लाइड फर्स्ट आई एम गोइंग टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन ऑफ वॉट आर दीज कॉम्पिटेंसीज एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल फॉर ईच एंड एवरी कॉम्पिटेंसी दैट वी डिस्कस तो आपको भी पता चल जाए कि एक्चुअली ये कैसे दिखते हैं क्वेस्स में और आप आगे कैसे ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे सो मूविंग ऑन the first one all right okay so i've started with mathematizing out here transform a real world problem into a mathematical problem interpret mathematical objects or information in relation to the situation represented i would uh, tell you either aap screenshot le matlab वन सारे आ जाए कि आगे जब मैं बढ़ती जाऊंगी यू कैन वैसे उधर भी डेफिनेशन रहेगा सो दैट यू कैन मैच की वॉट कॉम्पिटेंसी वी आर टॉकिंग अबाउट सो मैथमेटाइजिंग इज टेकिंग एनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ओके विच इज विच कैन बी मैथमेटाइज हम मैथमेटिक्स के हिसाब से उसको कैसे देखते हैं ऑल राइट सेकेंड वन रेप्रेजेंटेशन Devising or using depictions, mathematical objects, really, using by equation, formula, graph, tables, diagrams, textual description. This is rep. to be able to do all this. If a child is able to do all this, we say the mathematical uh, competency of representation the child understands or does well. Next. रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट अब आप बताइए क्या इसके बगैर मैथ्स चल सकता है स्वाति मैम कैन सी थैंक यू यस, देर इज नो मैथमेटिक्स विदाउट रीजन एंड लॉजिक बट a lot of people are not able to explain it so we to be able to argue justify okay logically rooted thought process that explore and link problems to make inferences from them aap ek se result like step by step aap us clue and to check a given justification और प्रोवाइड जस्टिफिकेशन दैट इज कि आपने एक स्टेटमेंट दिया और अभी आप उसका प्रूफ दे रहे हैं लॉजिकली जस्टिफाइड प्रूफ नॉट कि ये मेरा दिल चाहता है या ये मेरा सेंटिमेंट है ये मेरा इमोशन है नहीं मैथ्स में ये सब बातें नहीं चलती है मैथ्स में इट हैज टू बी लॉजिकली वैलिड आर्ग्यूमेंट तभी जाके वी कैन एक्सेप्ट एज द आंसर ऑल ओके Strategic thinking. कौन सा चीज पे लगाना है फॉर एग्जाम्पल हुई जेबा का मैंने एग्जाम्पल दिया कि A plus B whole square का फॉर्मूला तो सीख गए इसको लगाना कहाँ पे है अब अगर मेरे पास आए कि 102 एंड टू इंटू हंड्रेड एंड टू हा आई विल यूज इट हियर ओके सो देर करना है दैट इज वॉट इज स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कम्युनिकेशन दो होते हैं कम्युनिकेशन इन कमिंग मतलब जो आपके टीचर आपके आस पास के लोग आपको बोल रहे हैं उसको रीडिंग डिकोडिंग इंटरप्रेटिंग उसको पढ़ना उसको समझना उसको इंटरप्रेट करना उससे मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन निकाल लेना एंड आउट गोइंग जो आप उसको समझ के उसके बाद आपने मान लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व किया उसको एक्सप्लेन करना उसको जस्टिफाई करना दैट इज योर आउट गोइंग तो ये अगर बच्चे कर सकते हैं इनकमिंग मतलब कॉम्प्रिहेंशन ये हमारे आई थिंक अगेन अ क्वेश्चन फॉर यू हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड दैट एनी टॉपिक इफ यू गिव डायरेक्ट क्वेश्चन टू चिल्ड्रेन यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ दम कैन डू डायरेक्ट क्वेश्चन बट द सेम क्वेश्चन इफ यू गिव इट एज अ वर्ड प्रॉब्लम दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड डू यू कम अक्रॉस दिस प्रॉब्लम कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप दे दो वो कर लेंगे पर वही क्वेश्चन अगर आप वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में देंगे तो बच्चे फंस जाते हैं क्या yeah. I can see a lot of yes, there has to be <laughs> we are all maths teachers here. So, yeah, you know, experience. All right. And the last 1, which I'm not going to deal with out here, but also very important. Especially now, in the situation that we have faced the last 2 years, which is making use of tools and technology uh this is because firstly i think already you people you are attending an online webinars so obviously you know how to do it i'm sure you must have been teaching online plus we all have there are so many tools and technology uh, the platform doesn't give us uh, give us that much time or scope to discuss those so i think that is something you know you can already and we all have our personal favorites and things, so we will have it. You know, to we will leave it to you what you are comfortable using. So till now, uh, is it clear? What are the so we are going to you know uh, do from mathematizing to communication. All right. Uh, so is that clear? Are the definition clear? Does anybody have any question? You can put it in the chat box, and I can answer you. चलते हैं सो द फर्स्ट एग्जाम्पल एंड आई होप ऑल ऑफ यू है क्योंकि थोड़ा बहुत मैं आपको भी करने को बोलूंगी कि आपको लगे आपने कौन सा कॉम्पिटेंसी यूज किया एंड अनादर थ

के बारे में बात की दे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन सिर्फ लाइक ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या आप ऐसे बोल सकते कि ये क्वेश्चन में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है एप्लीकेशन नहीं है क्या मैथ्स का क्वेश्चन ऐसा कभी हो सकता है कि आप अप्लाई करें विदाउट अंडरस्टैंडिंग अगर करेक्ट एप्लीकेशन है तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग वो एप्लीकेशन होगा कैसे सो यू विल यूल यू नो मोस्ट ऑफ दीज ओवरलैपिंग ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वाले से दिस इज रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट लॉजिकली रूटेड थॉट प्रोसेस टू मेक करेक्ट इंफरेंस

आपको ये फाइव नंबर्स निकालने हैं मैंने एक निकाला है आप देखेंगे और मैं उनको जस्टिफाई भी करूंगी मुझे पांच सिंगल डिजिट होल नंबर ऐसे मैंने निकाले हैं जिनका मीन फोर है मीडियन थ्री है और मोड भी थ्री है ऑल राइट सो बिफोर आई शो यू द आंसर माई आंसर मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछूंगी मीन फोर का मतलब क्या है मेरे पांच ये नंबर का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए कि इनका मीन फोर यस, बट व्हाट शुड दैट फाइव नंबर्स क्या इससे आपको कुछ हिंट मिलता है सामिल सिक्सटीन आई यू श्योर फाइव नंबर्स है अंकित सर ट्वेंटी यस yes, रिपुंजय सर वंडरफुल यस yes. of of the numbers has to be 20. Very good. Now I can see whole lot of you coming up. आपको मेरे 3 दिखाती हूँ मेरे right? अब ये हो गए नौ दो ग्यारह और नाइन ट्वेंटी सो my फर्स्ट थिंग द मीन इज फोर मेरा करेक्ट है Median, median मतलब पांच है तो मिडिल मोस्ट नंबर थ्री है मेरा median थ्री है एंड द मोड विच इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वो भी तीन है तो मेरे ये पांच नंबर जो मैंने सिलेक्ट किए हैं सो देअ फोर इट इज करेक्ट नाउ माई क्वेश्चन मुझे आप और कुछ नंबर ऐसे निकाल के दे सकते हैं यू कैन निकाल के प्लीज राइट इट इन योर चैट बॉक्स याद रखना जिनका समी होगा मीडियन थ्री होना चाहिए एंड मोड बी थ्री टू थ्री थ्री फोर फाइव फ्रॉम रविशंकर सर सो लेट्स सी नाइन एंड सिक्स फिफ्टी नहीं सर ये तो नहीं हुआ तीन और दो पांच और पांच नहीं बीस नहीं आ रहा है टू ट्रिपल थ्री सिक्स नहीं टू एंड थ्री फाइव फाइव एन थ्री एट एट एंड नाइन सत्रह नहीं आ रहा है फोर ट्रिपल थ्री सेवन यस ये आ जाएगा नितेश सर फोर ट्रिपल थ्री सेवन लवली सरोज कुमार नाइन एंड टेन नहीं ये वाला नहीं है टेन ज्योति सिंह मैम ये टेन इज अ डबल डिजिट नंबर मैंने सिंगल डिजिट लिखा हुआ है प्रियदर्शनी मैम मीडियम की बात हो रही है सो दे शुड बी इन और डिसेंडिंग ऑर्डर फोर एंड नाइन थर्टी प्रियंका मैम यस यू आर करेक्ट वन थ्री थ्री फोर नाइन वेरी गुड अर्चना मैम आपने चार नंबर दिए हैं पांच नंबर की बात हुई है ऑलराइट राइट वेरी गुड तो आप लोगों को ये अच्छा अब बताइए आप मुझे ये जो मैंने जैसे मैंने अपने आंसर दिए फिर मैंने उसका जस्टिफाई किया एबल टू डू दिस दैट लॉजिकली रूटेड thought processes टू मेक करेक्ट inference? मैंने करेक्ट इन्फरेंस निकाला कि पांच नंबर का मीन अगर बीस है सॉरी uh, मीन अगर चार है तो सम बीस होना चाहिए राइट right? ये मेरा इन्फरेंस था उसके बाद वो लेके चल के मैंने ये नंबर निकाले और आपको जस्टिफाई किया कि मेरे मीन मीडियन uh, और मोड तीन क्यों है एंड दैट्स हाउ आई गॉट माय आंसर ऑल राइट ओके सो डू यू थिंक दिस क्वेश्चन जस्टिफाइज द कॉम्पिटेंसी क्या लगता है आपको अगर आप अपने स्टूडेंट से पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन एंड दे कैन यू नो गिव यू दीज आंसर एंड जस्टिफाई कि ये क्यों मीन है ये क्यों मोड है यू के ये क्यों मीडियन है इन दैट केस यू कैन कंक्लूड कि बच्चा मीडियन मोड मीन समझता है राइट right? so this was the first competency let me show you another one okay this is also another website which I like very much इनका दो किस्म का है thing paid and unpaid uh, free resources aap paid में जाने की जरूरत नहीं आप free resources में देख सकते हैं इतने बढ़िया आपको mathematical puzzles वगैरह मिलेंगे चलिए करके देखते हैं let's see see we have a rectangle here और इस रेक्टेंगल के चार पार्ट्स है चार और ये रेक्टेंगल है We know एक क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आप देखिए ये आइकॉन्स दिए हुए ये इस होल रेक्टेंगल का फुल एरिया इज वन जीरो वन फाइव ठीक है ये टोटल एरिया आपको दिया हुआ है आपको बताया गया है कि ये सिक्स हंड्रेड है ये वॉच आपको मालूम नहीं निकालना ये शेप ये क्राउन ये थ्रोन ये सारे निकालने हैं और ये वाला छोटा वाला फोर्टी फाइव है तो पहली बात क्या मुझे आप बता सकते हैं ये जो थ्रोन है इसका वैल्यू क्या हो सकता है और क्यों वॉट इज द वैल्यू ऑफ दैट चेयर वो सिंहासन का क्या वैल्यू है और ऐसा क्यों है Lovely, great. It is 5 Yes. But क्यू 20 कैसे होगा 20 into 9 तो 180 ban बन जाएगा Chair is 5 yes correct but 5 hi ही क्यों है nine into 5 45 perfect फाइव परफेक्ट एब्सोल्यूटली अब आप समझ गए ना कि आपको क्या करना है आपको इन चारों के वैल्यूज निकालने हैं एक तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है कि ये पांच है ऑल right? ये पांच है तो ये फोर्टी फाइव आ गया अब आपको निकालना है दिस आंसर आना शुरू हो गया आप करिए फिर मैं आंसर दिखाऊंगी और आपको बताना होगा कि ये ठीक है या नहीं ऑल राइट लेट मी शो आंसर्स प्लीज चेक योर आंसर्स एक्चुअली आप अगर देखें ये वाला हम क्वाड्रेटिक में देख रहे हैं x इंटू एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड यही बनता है ना हमारा x into x, plus 10, that means x square plus 10x equal to 600 ठीक है सो therefore अभी देखिए किन किन के करेक्ट आंसर्स आए वो इधर लिखेंगे करेक्ट चैट बॉक्स में करेक्ट क्लिक श्रीनिवास करेक्ट कॉन्ग्रेचुलेशन और कौन प्रियदर्शनी मैम सुशीला मैम अच्छा बिफोर वी गो हेड ये करने में आपको मजा आया हूं? क्या ऐसे कुछ क्वेश्चन हम क्लास में कर सकते हैं देखिए आफ्टर ऑल ये एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना था ना

और वो इंफ्रेंस को काम में लगाते हुए फिर आपने इसको स्ट्रेटेजी करके निकाला कि ये अगर X है और ये प्लस टेन है हम एरिया का फॉर्मूला लगाए रेक्टेंगल का तो एक्स इन टू एक्स प्लस टेन सिक्स हंड्रेड आता है ऑल राइट सो मैं ये आपको इधर लिख के देती हूँ आप अगर चाहे तो ये वाला चेक कर सकते हैं दिस uh, इज इस साइट में आपको काफी ऐसे फ्री रिसोर्सेस मिल जाएंगे ओके सो okay. so, से मैंने ये लिया है आपको ऐसे बहुत सारे मिल सकते हैं एंड यू कैन ट्राई दम इन योर क्लास एम श्योर योर स्टूडेंट्स वुड एंजॉय इट राइट चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन मैथमेटिकल the टू सॉल्व द the टास्क वैसे आपने देखा होगा पिछले वाले में भी हमने strategic थिंकिंग भी किया था सिर्फ लॉजिक नहीं हमने strategic वाला भी अप्लाई किया था अब देखते हैं इस क्वेश्चन को ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे यू you नो know, ये क्वान्टिटेटिव uh, एग्जाम्स में सो वी हैव अ स्क्वायर एंड आपको इसका जो ब्राउन पोर्शन है उसका एरिया निकालना है अब द थिंग इज अगर ये आप एक क्लास सेवन के बच्चे को देते हैं क्या वो कर पाएगा आपका एवरेज बच्चा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो आपके ब्राइट स्पार्क्स है एवरेज बच्चे को अगर आप ये क्वेश्चन दे देते हैं दिस क्वेश्चन कर लेंगे सर बट आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल स्कूल हिस्स और यहाँ आता है वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉब्लम्स जब अराइज करे क्या कर सकते हैं अब देखिए क्या हम ये ब्राउन पोर्शन को काट के इधर फिट कर सकते हैं ये वाला ब्राउन पोर्शन क्या इस व्हाइट पोर्शन पे फिट हो जाएगा यस और नो मैम सेज यस अंजना मैम सेज यस हाँ अब बन गया आसान अब क्या बना कैसे निकालेंगे एरिया सर्कल का एरिया तो हम क्लास सिक्स में ही निकाल देते हैं सेमी सर्कल है ना आपके पास रेडियस है क्या हेम नहीं देखा मैम सेमी सर्कल इट्स इट्स टू डायमेंशनल नहीं स्क्वायर माइनस सेमी सर्कल नहीं सर सिर्फ सेमी सर्कल निकालने से ही आ जाएगा क्योंकि मैंने बोला है ब्राउन पोर्शन सो ब्राउन पोर्शन इज दिस प्लस दिस तो इसको इधर चिपका देंगे तो ये पूरा सेमी सर्कल बन जाएगा एंड रेडियस आपको मालूम है ये फाइव है तो बच्चा उसका रेडियस लगाएगा और ये आंसर निकल आएगा ठीक है ना सो द आंसर वुड बी all right this was strategic thinking okay हमने देखा कि इसको कैसे सॉल्व करें हमें यह आता नहीं है कैसे कर सकते हैं डू यू थिंक ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन आपके आप, आप लोग जो स्कूल में एक्टिविटी कराते हो कट पेस्ट वाले क्वेश्चन में एक्टिविटी में ऐसा क्वेश्चन करवा सकते हैं आप मिडिल स्कूल में क्या बच्चे एंजॉय करेंगे वेन दे आर इंटरेस्टेड वेन दे एंजॉय दैट इज वेन कॉम्पिटेंसी इज बिल्ड जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें कॉम्पिटेंट होना बहुत मुश्किल की बात है ऑल राइट right. तो कॉम्पिटेंसी बिल्ड होने के लिए आपको इंटरेस्ट बच्चों को इंटरेस्ट करना पड़ेगा सही गलत बात भी पहले बच्चा इंटरेस्टेड तो हो करना चाहे ऐसे क्वेश्चन में क्या आपको लगता है कि बच्चे करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे आप नेक्स्ट वाला चलते हैं इसी इसमें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग देखिए ये है चलिए मैं पहले आपको दिखाती हूँ आपको ये टू पॉमोग्रेनेट्स अनार का वैल्यू निकालना है आपके पास लीनियर इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स है थ्री वेरिएबल्स करेक्ट भावना में थ्री वेरिएबल्स अब आप देखिए चलिए साथ साथ करते हैं ये ट्वेंटी वन है मतलब एक ये, ये, ये येलो एप्पल सेवन का आ गया ठीक है वेरी गुड हाँ अब अगर मैं इधर सेवन डालू तो म, मेरा कोई लाभ नहीं है उससे कुछ नहीं हो रहा है अब मुझे सोचना पड़ेगा तो मैं करूँ क्या ये सेवन निकाल के मैं आगे नहीं बढ़ पाई क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके जगह हमें मालूम है वन एप्पल प्लस वन प्रोमोग्रेट इज तो सेवन सॉरी इज इक्वल टू तो अ पेयर तो इन दोनों को हटा के क्या हम सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं कि एक पेर इधर ले आए मतलब हमारा आ जाएगा टू पेयर इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स स्ट्रैटेजी ठीक रहेगा आंसर हाँ, बाद में आप मुझे स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए क्या ये स्ट्रैटेजी ठीक रहेगा हाँ पैर थर्टीन आ जाएगा तो अब जब पैर हमारा थर्टीन आ गया और ये हमारा सेवन आ गया अब तो ये निकालना मुश्किल है पर मैं कहती हूँ बच्चे इधर भी गलती करते हैं क्या कोई बता सकता गलती में आंसर में बच्चा बहुत सारे बच्चे क्या लिखेंगे मेथड करेक्ट रतन सर रहते हम देखिए क्लास टेन में सब्सिट्यूशन मेथड कैसे सिखाते हैं अगर आप इंट्रोड्यूस ऐसे करेंगे तो डू यू थिंक बच्चों को मजा आएगा ट्यूशन मेथड इज द राइट थिंग हाँ अब मैं कहती हूं बहुत बच्चे आप देखेंगे आंसर में लिख देंगे सिक्स पर आंसर में क्या पूछा है आंसर में आपको पूछा है टू पॉमर ग्रेनेट तो करेक्ट आंसर विल बी ट्वेल्व ऑल राइट ओके तो इसमें आपको लगा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग यूज हुआ ओके okay. टाइजिंग ट्रांसफॉर्म अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन टू अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम ओके तो पहले मैं एक आपको एक पिक्चर दिखाती हूं क्या आप आप में से कोई इस जगह को पहचानता है कभी गए हैं ये कहां पे हो सकता है अरे वारुट सर मेहरानगढ़ yes, right. राहुल विजिटेड जोधपुर इन अ ग्रुप ऑफ ट्वेंटी फाइव फ्रेंड्स वेन दे वेंट टू मेहरानगढ़ फोर्ट दे फाउंड फॉलोइंग फेयर फॉर राइट ठीक है अब पहली बात तो मुझे ये बताइए कि ज अ रियल लाइफ थिंग क्या बच्चे को एक्सपीरियंस ऐसे चीज देखते में जैसे कहीं जाते हैं म्यूजियम जाते हैं तो बाहर ऐसे साइंस मिलते हैं इज इट सम रियल लाइफ प्रॉब्लम फॉर देम समथिंग दे कैन रिलेट टू बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अनादर थिंग विच वी डू नॉट वेन वी राइट आर क्वेश्चन और टेक आर क्वेश्चन बहुत लोग में भी आप लोगों में भी कोई राइटर्स हो सकते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जिसके साथ बच्चों का कोई वास्ता नहीं है जैसे मैं अभी दिल्ली में बैठी हुई हूँ अब दिल्ली के शहर में बैठ के मैं कोई क्लास एट के बच्चे को पढ़ा रही हूँ आप लोग में अगर पढ़ाते हैं आपको याद है टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है कि कोई आदमी दो भैंस खरीदता है आई थिंक सेम प्राइस में एक टेन परसेंट या ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट में बेचता है एंड एक टेन या ट्वेंटी परसेंट लॉस में बेचता है तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालिए अब आप बताइए एक शहर के बच्चे के लिए यस कंपेयरिंग क्वांटिटीज इज द चैप्टर करेक्ट क्लास एट सो अब ये बताइए एक कोई शहर के बच्चे के लिए क्या ये चीज़ और क्लास एट में है मतलब बारह तेरह साल का बच्चा है उस बच्चे के लिए क्या ये रियलिस्टिक सिचुएशन है आई तो आप दिल्ली की बात छोड़ दिए आई आई एम टॉकिंग अबाउट एनी चाइल्ड सो देर फोर नीड टू थिंक ऑफ क्वेश्चन जब हम पढ़ा रहे हैं अब बुक तो चेंज नहीं कर सकते पर जब हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वी शूड ट्राई एंड थिंक कि ऐसा क्वेश्चन से पहले उनको समझाए कि जो उन्होंने देखा हो दे कैन रिलेट टू आप जहाँ के भी है इधर हाँ आपके उधर कुछ ना कुछ तो होगा कोई अम्यूजमेंट पार्क जहाँ टिकट लगती होगी तो उसमें आप उनको बता सकते हैं और right. अब देखिए ये दिखा दिया अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है अब आएगा क्वेश्चन फर्स्ट डे दे रोड इन नॉर्मल आवर्स एंड पेड 1950 फॉर द राइट ठीक है ये रहा क्वेश्चन पहले हमने ये बता दिया एंड एज अ टीचर यू कैन आस्क हाउ मेनी पीपल वर देयर ठीक है इफ वी नो 25 अब एक्स एंड वाई नंबर ऑफ हॉर्सेस उन्होंने दिए और उन्होंने पैसे दिए नाइनटीन अब आप बताइए क्या इसका इक्वेशन होगा Will you agree with this? अगर हॉर्स एक है एक्स है एंड एक एलिफेंट वाई है और लोग पच्चीस है देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ये एंड अब दो वेरिएबल है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए हमें दिया हुआ है कि टोटल उसका वैल्यू है 1950 ओके okay? सो so आपका आ गया 50 टाइम्स एक्स प्लस हंड्रेड बाई इज इक्वल टू नाइनटीन अब ये अब देखिए आई एम श्योर बच्चे इधर से सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ आती है ये बनाने को This is a a a a competency. Transform real real world problem, a real world problem, to a mathematical problem, problem. to mathematical sabko nahi होती है, है, है. यहाँ मोस्ट बच्चे फंस जाते हैं दे उनको बुक के प्रॉब्लम solve करना आता है पर रियल लाइफ में वो जब प्रॉब्लम फेस करते हैं वो नहीं कर पाते हैं सो वन ऑफ द मोस्ट important competencies यू आर गोइंग टू स्टूडेंट्स इज मैथमेटाइजिंग मैं आपको इसके और एक एग्जाम्पल दूंगी मैं इसके सोल्यूशन में नहीं जा रही हूँ क्योंकि यू आर ऑल टीचर्स वो ये बात नहीं है कि मैं आपका आप लोगों का कॉन्फिडेंसी देखने के लिए मैं नहीं हूँ इधर मैं और एक एग्जाम्पल देती हूँ अब मुझे यही आपसे सवाल है कि क्या ये रियलिस्टिक सिचुएशन है Ranjana and six of her friends went to a cafe to celebrate her birthday They ordered burgers and pizza. अब क्या ये बच्चे के लिए आ, ये ऐसा चीज होता है स्कूल में बच्चे बर्थ डे ट्रीट देते हैं पैसा ऐसे ये करते है? किसी को ये चाहिए सो इज इज अ रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर द चाइल्ड एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि रियल लाइफ का आप सिचुएशन उठाए और कभी कभी मेरे तरफ से ये होगा कि आप उनको ना कभी कभी बोलिए कि आप क्वेश्चन बना के लाओ आपने जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिखा दिया अब उनसे पूछिए कि आप कुछ क्वेश्चन बना के लाओ आप लोग तो कैंटीन जाते हो अगर पांच लोग ने कचौड़ी खाए और दो लोग ने ये खाए तो कितना हुआ ऐसे करके तो आप देखेंगे इनका लैंग्वेज प्रोफिशंसी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल मैथमेटिक्स अ लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन और जब हम ये करेंगे कि जो भी लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं चाहे वो इंग्लिश हो हिंदी हो कोई भी वर्नकुलर आपके स्टेट का हो जिसमें भी उसमें भी बच्चे को इक्वली कंफर्टेबल होना चाहिए सो व्हेन यू आर डिस्कसिंग ऑल दीज दे आर राइटिंग देयर ओन क्वेश्चंस, इट कैन बी गिवन एज सम प्रोजेक्ट वर्क एक्टिविटी वर्क ये नहीं कि मतलब तभी तभी, तभी बनाओ लॉन्ग वीकेंड में आपने कोई होमवर्क दे दिया दो तीन बच्चों का ग्रुप बना दिया वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी am जस्ट गोइंग टू गो थ्रू नाउ we कम टू द नेक्स्ट वन अब इसमें आप देखिए दिस इज अबाउट क्वेश्चनिंग आई एम सॉरी इसका जो रीजनिंग uh, है उसको मैंने नेक्स्ट वाले में डाला है मतलब नाम सॉरी मेरा मैं आपको दिखा दूंगी पर आप क्वेश्चन देख लीजिए ऑल राइट सो दिस इज अबाउट थ्री बास्केट ब्राउन रेड दिस इज अबाउट कम्युनिकेशन अब देखिए ये क्वेश्चन आप कितने इजिली बच्चे को क्वेश्चन पूछ पूछ के

अब मैं कह रही हूं विच बास्केट हैज द फ्यूएसट नंबर ऑफ एग्स सबसे कम आपके पास तीन बास्केट है एक ब्राउन है एक रेड है और एक पिंक है सबसे कम एग्स किस वाले बास्केट में है आर यू श्योर रेड यस सौम्या मैम करेक्ट आगे चलते हैं इसका आंसर हमारे पास आ गया वेरी गुड सबसे ज्यादा किस वाले में है रेड सबसे कम है सबसे ज्यादा नाउ डॉमाइ क्वेश्चन इज विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स यस सरोज मैम करेक्ट पिंक वाला पिंक हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स बिस्कोट ब्राउन एक ज्यादा है ठीक है ठीके? तो अगर रेड वाले बास्केट में एग्स आर है तो पिंक और ब्राउन में कितने कितने होंगे पिंक वाले में कितना होगा अगर रेड में आर नंबर है तो पिंक में कितना होगा और ब्राउन में कितना होगा अगर आप इसको नंबर के तौर पर लिखे आर प्लस वन वेरी गुड ब्राउन इज ब्राउन आर प्लस वन होगा पिंक वाला इज आर प्लस थ्री यस अब देखिए ये सारे क्वेश्चन टीचर पूछ रहे हैं नो आंसर इज बींग गिवेन द आंसर इज बींग टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट्स वॉट इज हैिंग अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन टोटल नंबर ऑफ एग्स इन द बास्केट do we have that information? What is the total number of eggs? और इसके साथ साथ आपको क्या पता चल रहा है कि कौन सा student क्वेश्चन पढ़ रहे है बहुत बच्चे होते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन बिना पढ़े दे स्टार्ट सॉल्विंग वो फर्स्ट लाइन पढ़ के ही शुरू कर देते हैं So here you are making by asking these four questions, you have made them understand and read the question and get the information from the question. in. now I'm saying how many eggs are in each basket. ab ba already formula agya. So therefore, yes, there are five in the pink, three in the brown, and two in the

वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के या ओके नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन और ये मैं चाहूंगी कि आप लोग करें ये आप लोग हम छोटे जब थे आप लोगों ने भी किया होगा हम लोग बहुत करते मैजिक नंबर्स देखिए करिए थिंक ऑफ अ नंबर ऑलराइट डबल इट फिर दस जोड़िए फिर उसको हाफ कीजिए, टेक अवे द नंबर जिससे आपने शुरू किया था तो आपका क्या बचता है सर, sure, फिर से एक बार देखिए, एग्जैक्टली अमर सर वेरी करेक्ट द आंसर इज फाइव ओके अब इसका हम कहते थे मैजिक नंबर है ना पर इस मैजिक के पीछे कितना बड़ा एक आप देखिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स छुपे हुए हैं हमने कहा कि थिंक ऑफ अ नंबर आपने सोचा X. ठीक है ना हम अल्जेब्रा एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन दे रहे फिर हमने बोला डबल करो तो आपने उसका टू एक्स बना दिया देन वी सेट की टेन ऐड करो बन गया आपका टू एक्स प्लस टेन फिर हमने कहा हाफ कीजिए इसका तो आपने जब हाफ किया और ये देखिए ये इसलिए ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बच्चे नेक्स्ट स्टेप में अगर हम ब्रैकेट नहीं डालते हैं तो लिखेंगे आंसर इज एक्स टेन वो इसको डिस्ट्रीब्यूट ये करना भूल जाते हैं ऑलराइट right, तो इसलिए ब्रैकेट डाला हुआ है तो जब डिवाइड कर लेते हैं आंसर बच्चा आपका एक्सप्लस फाइव और हमने कहा जिस नंबर से आपने स्टार्ट किया था मतलब कि x आप इसको निकाल दो सब कर दो एंड देर फोर योर आंसर कम्युनिकेशन फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज टू मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या आप ऐसे ऐसे अगेन एज आई सेड आप मैजिक नंबर बोल के गूगल सर्च कीजिए इमेज पे जाइए आपको इतने सारे मिलेंगे क्या आप ऐसा कुछ उठा के अगर आप दे देते अपने स्क्रीन पे या ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं और फिर बोलते हैं कि अब आप इसको मुझे मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन दो क्या ये किया जा सकता है यू थिंक विल फन और साथ साथ उनकी कॉम्पिटेंसी भी बढ़ेगी राइट right?

वो नहीं कन्वे करेगा पर जो मैथमेटिक्स जानता है यूजेज ऑफ मैथमेटिकल सिम्बल्स एंड फॉर्मूले उस जो फॉर्मुल होता है वो कन्वे करता है चलिए देखते हैं वॉट एम आई टॉकिंग अबाउट अब ये देखिए ये अगर फर्स्ट लाइन आप देखें ये ब्लू वाले हेप्टागेंस है उससे फर्क नहीं पड़ता इसको हम एच बोलेंगे ये वाला स्क्वायर है इसको हम एस नाम देते हैं ये फर्स्ट वाला देख के लाइन देख के आपको इमीडिएट इसका मैथमेटिकल मैं अगर बोलू इसको आप मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट कीजिए आप क्या लिखेंगे इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन द फर्स्ट लाइन आपको क्या बनता है ओके फाइव एक्स प्लस वाई नहीं फाइव एक्स प्लस वाई तो मैं नहीं समझी आ, और कुछ मैंने बोला है कि हम ब्लू वालों को एच बोलेंगे और रेड को हम एस बोलेंगे और राइट फोर एस प्लस वाई इधर आपके राइट हैंड साइड में भी कुछ है नीलम मैम आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहेगी उन दोनों को मिला के आपको कुछ लग रहा है यस फोर एच ज्योति सिंह यस फोर एच प्लस इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव इज द आपने करेक्ट मैथमेटिकली सिंबल को पढ़ा अब देखिये ये बच्चा क्या बोल रहा है आई कैन वर्क आउट सिक्स एच प्लस फोर एस इज इक्वल टू थर्टी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बच्चे इस बच्चे ने किया क्या है हाउ डज द चाइल्ड गेट दिस फ्रॉम दिस वॉट हेज द चाइल्ड डन एडेड ऐड yes, किया? आपके पास पांच इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन इक्वेशन एडेड ऑल राइट अभी बस एंड करने वाले हैं तो मैं एक दो क्वेश्चन आपके तरफ अगर मान लीजिए मुझे चाहिए दो इक्वेशन का सम जीरो होना चाहिए मैं कौन से इक्वेश लू आई वॉन्ट समू इक्वेश विच इक्वेश फर्स्ट एंड लास्ट नहीं ट्वेंटी फाइव माइनस सेकेंड एंड लास्ट एब्सोल्यूटली अच्छा वॉट इफ आई वॉन्ट द इक्वेशन दैल्यू टू बी वन अगर मुझे वन चाहिए एज आंसर थ्री थिंक अभी जैसे मैंने आप लोगों को याद है कि मैंने क्या आपको बताया था द फाइव कॉम्पिटेंसीज ऑल राइट डू यू थिंक ऑल ऑफ देम वेर कवर्ड कौन से कौन से थे मैथमेटाइजेशन था कम्युनिकेशन था स्ट्रैटेजिक थिंकिंग था यूज ऑफ सिंबल्स था एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट हैव दे ऑल बीन कवर्ड इन द सेशन आपको एग्जांपल्स मिल गए ऑल राइट ग्रेट

आई एम बैक आई थिंक संबदीविंग की मैम आपका आप दिख नहीं रहे हैं तो मैं पहुँच गई आप लोगों के पास ओके थैंक यू ऑल थैंक यू फॉर बींग सो पार्टिसिपेटिव एंड एस आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू आज वीकडे है एंड वो भी मंडे उसमें आई एम श्योर मोस्ट ऑफ़ यू वुड हैव जॉइंड आफ्टर योर स्कूल आवर्स तो यू मस्ट बी वेरी वेरी टायर्ड नाउ So I'm glad you were there and you were so participative. Thank you all so much. Thank you. Um PSSC. Uh is the host there? PSSC? Yes, ma'am. Yeah. Uh, I think uh, we are done. We've completed the session and it was from my side, it was a wonderful session. They were so participative. And as I said, even after probably being very tired after uh you know school day or Gobi Monday. So um, uh, I would like to uh, take my leave now and yes, I wish everybody all the best and and uh, happy and healthy time ahead. Festival season Aane Wala Hai so please stay careful healthy and of course lots of happiness for you thank you ma'am goodbye thanks all thank of you bye bye